हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं ना सो के अभी उठ रहा हूँ, क्योंकि बाहर का सीन मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ऐसे लग रहा है जैसे बरसात हो, पूरी धुंध ही धुंध है चारों तरफ। और अभी ना 8:30 हो गए, तो मुझे ना पता भी नहीं चला आज की पूरी रात बारिश हो रही थी, और सुबह के टाइम अभी थोड़ी रुकी तो धूप लगी नहीं, तो मुझे पता ही नहीं चला कब जैसे उठना है। और मैं सोता रहा, और कुछ बारिश का एक्सक्यूज़ भी था कि भाई बारिश हो रही है तो क्या करना उठ के। तो बस फ़िलहाल अभी उठ चुका हूँ, अब जाते हैं बाहर को, और बाहर से आपको सीन चेक करवाते हैं क्या क्या सीन है मौसम के और सारी चीज़ें। तो चलो चलते हैं बाहर। सीन गंदा ही है, देख रहे हैं आप कैसी धुंध है पड़ी है। तो बस ऐसा कुछ सीन है फिलहाल, चारों तरफ धुंध ही धुंध है और पता नहीं कब तक रहनी है। क्यों है ऐसा, क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो बस बरसात का मौसम शुरू हो चुका है यहाँ पे। पता नहीं क्या हो गया मौसम को, जो कि इतना ख़राब रह रहा है और सारे सीन गड़बड़ हो गए। तो बस अभी फ़िलहाल मैं ना नहा लेता हूँ पहले, फिर आगे के काम करेंगे। गाइस, तो मैं ना नहा धो के हो चुका हूँ एकदम रेडी, और अभी फ़िलहाल ना फिर से बारिश हो गई है। इधर देखो, सारे में बारिश बारिश बारिश। नानू यहाँ पे अपने लिए लकड़ियाँ ढूंढ रहे दिन में जलाने के लिए, और हम लोगों की ना मेहनत रंग ला चुकी है गाइस। हमने जो ऊपर जो पानी और चावल का सिस्टम बैठाया था ना चिड़ियाओं के लिए, वहाँ पे चिड़ियाँ आने लग गई है और खाती भी है गाइस। सुबह सुबह आती है, सारे दाने दूने खाती है। पानी तो अभी नहीं पीती, क्योंकि यहाँ पे पानी उन लोगों को खुला बहुत मिल जाता है बाहर नालों में। तो जो चावल चावल फेंके होते हैं ना, वो सारी चीज़ें तो खा लेती है। मम्मी ने सुबह सुबह दिए थे और वो भी खा लिया, और नई नई चिड़ियाँ आई थी, मम्मी बता रहे थे ऐसा ऐसा। तो बस अब रेगुलर रखेंगे चिड़ियाओं के लिए भी, बाकी कुछ नहीं। बाकी अभी जाते हैं दोस्तों के साथ, थोड़ी बहुत गप्पे उनके साथ मारे। बारिश ही बारिश हो रही है, तो हम लोगों का प्लान बन रहा है चढ़गांव तक जाने का। तो जाते हैं चढ़गांव तक, देखते हैं बनता है या नहीं बनता है। अगर बना तो जाएंगे, अगर ना बना तो फिर घर निकल जाएंगे टाइम से। हम लोग भी भाग पहुँच चुके हैं चढ़गांव में, और अभी फ़िलहाल हम लोग आए थे तहसील वाले रोड से नानी को भेजने। नानी को भेज दिया है और हम लोग चल पड़े। अब कहाँ जा रहे भाई? पेट्रोल पम्प। अब जा रहे पेट्रोल पंप, और हमारे साथ माऊ है, काका है, मैं हूँ, तीन लोग हैं अब हम, इसके बाद हमारी की गेड़ियाँ। फिलहाल जाते हैं पेट्रोल पंप तक। बाकी तो कुछ खास नहीं है, आज बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा बस। तो अभी मार्केट पहुँचते हैं, दिखाते हैं आपको मार्केट का बारिश वाला सीन गाइस। तो जब जब हम यहाँ पहुँचते हैं ना, है गाड़ी बंद हो गई है, ये झूठ बोल रहा है। तो जब जब हम यहाँ पहुँचे चढ़गांव में, तब तब हम लोगों को जाम ही जाम मिलता है। आज भी ये देखो आगे बस कहाँ है, सरकारी बस, यहाँ तक जाम लगा हुआ है, और पीछे को भी जाम है। कैसे कैसे काट रहा है। तो बस अभी जाते आगे, रॉबिन को बुला लिया रोड में, उसको बोल रहा क्या सीन है, उसको ले जाते आगे तक घुमाने अपने साथ। और यहाँ पे ना नज़ारे कुछ दूसरे ही हो चुके हैं। ये देखो, धुंध ही धुंध चारों तरफ, और इतनी सही तरीके से चल रही है ना, ऐसे उड़ रही है ये। अभी मुझे ना ऐसे रखना पड़ेगा ताकि आपको दिख जाए ये उड़ते हुए, पर व्यू कैमरा नहीं जस्टिस कर सकता, मतलब इस व्यू को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। तो ऐसा कुछ सीन है, ये देखो। तो बस फ़िलहाल इतना ही, अभी मैं ना थोड़ी देर और शूट करता हूँ रील्स के लिए कुछ बढ़िया सा व्यू, फिर मिलते हैं आपसे घर पे। और बाहर इतनी ख़तरनाक बारिश हो रही है ना, और वक्त हो गया लंच का। तो लंच में है आलू की सब्ज़ी, दाल, चावल। तो लंच निपटाता हूँ पहले ना, क्योंकि बाहर हो रही है बारिश बहुत तेज़ ने रूम पे, और बाहर हो रही है बारिश कंटिन्यू, मतलब रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो फिलहाल मैं फ़ोन चार्ज कर लेता हूँ और मौसम रुकने का वेट करता हूँ, बस इतना ही। थोड़ी देर में अगर मौसम रुकेगा तब बाहर को निकल पाएंगे, तो
फिर आपको सीन चेक करवाएंगे। अभी तो फिलहाल खास कुछ भी नहीं है। ये देखो अब बाहर धुंध ही धुंध छाई हुई है गाइस। तो अभी वक्त हो गया है शाम का, मैं निकल चुका हूँ घर से। आज ना मैं अकेला हूँ क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ कहीं सोलो सोलो घूमने, अकेले ही जाऊँगा इधर या इधर कहीं भी एक जगह, और अच्छी सी लोकेशन पकड़ेंगे, वहाँ बैठे रहेंगे एक घड़ी, फिर आ जाएंगे घर, कुछ टाइम वहाँ पे स्पेंड करेंगे, फिर घर को आ जाएंगे वापस। बस अभी फ़िलहाल इतना ही है विचार, तो अभी जाता हूँ इधर की तरफ, फिर उसके बाद देखेंगे कहाँ का विचार बनता है, क्या होता है। साथ में आपको दिखाएंगे नई जगहें। आज मन अकेले अकेले घूमने का कर रहा है, तो मैंने ईयरफोन ला लिया गाने सुनने के लिए, सारी चीज़ें कर दी, क्योंकि मैंने सुबह से बहुत बोर हो चुका हूँ घर पे। ऐसे मौसम में मेरा दिल नहीं लगता है घर में क्या है, ऐसे मौसम में किसी का भी दिल नहीं लगता होगा, मुझे तो ये लगता है, क्योंकि अभी ना बारिश का टाइम है ना बारिश होनी चाहिए, तब भी हो रही है। तो चलो कोई बात नहीं, अभी चलते हैं फिलहाल, फिर उसके बाद दिखाता हूँ आपको सीन में कहाँ जाता हूँ। गाइस तो मैं घर से निकल गया हूँ और मैं आ गया हूँ ग्राउंड में, मतलब धारा में पहुँच चुका हूँ। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है गाइस। आज ना इतना बोरिंग डे है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। ये देखो पानी गिर रहा है ऊपर से पेड़ों से, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। यहाँ पहुँचा तो यहाँ से मुझे लगा सामने का व्यू अच्छा मिलेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। मुझे लगा ये सारे बादल नीचे को ही होंगे, ऊपर को थोड़ा क्लियर दिखेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल निकलते हैं हम लोग क्या, मैं ही हूँ अकेला। अभी निकलते हैं, हाँ मैं निकलता हूँ मंदिर की तरफ, मतलब इधर से जाऊँगा जब निकलते हो ना गाइस, यहाँ से निकलूँगा, पीछे पीछे से मंदिर होते हुए आ जाऊँगा वापस घर की तरफ। बस इतना ही, क्योंकि जो सोचा था वैसा कभी होता नहीं है, तो इतना ही क्या कह सकता हूँ मैं इससे ज़्यादा। बस तो जाते हैं फिलहाल इधर पीछे को और देखते हैं जंगल में धुंध कितनी है, यही देखना पड़ना अब। गाइस तो मैं जंगल में आया हूँ ना, और यहाँ पे सीन अलग ही है। वाओ ये देखो धुंध ही धुंध चारों तरफ। तो अभी फ़िलहाल जाते हैं नीचे की तरफ और नीचे भी देखते हैं कैसी है। मज़ा आ रहा है अभी जंगल में, अभी मूड ना थोड़ा फ्रेश हो गया, क्योंकि पहले ना मूड ख़राब जैसा लग रहा था। तो बस अभी फ़िलहाल जाते हैं नीचे को और यहाँ पे भी देखते थोड़ी बहुत क्या मिलता है देखने को। अच्छा हम मंदिर के पास, और मंदिर के पास तो नज़ारे बहुत ही शानदार है, पर पीछे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो बस इतना ही अभी तक, तो क्योंकि आज ना मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, बोरिंग डे था, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया, और यहाँ पे आके ना मन एकदम शांत हो जाता है। तो बस वही सीन था, इसलिए मैं इधर इधर घूमने आ गया। तो आके अब दर्शन करते हैं थोड़ी देर, फिर निकलूँगा घर को। तो मैं आ गया हूँ घर पे और एक घड़ी बैठा, इंदु आई है ना घर, ये देखो इंदु घर आई है आज। तो खाना भी लग चुका है हमारा, ये देखो सब्जी है आज, कड़ी चावल और मिर्चे हाथ में की हुई है, फेंक दी नीचे। ये तो मेरे साथ से रहती है, ये गायब थी आज तक। तो इससे बातें करते करते मैं बिजी हो गया था, फिर अभी खाना खा लेता हूँ पहले। तो मैं आ गया हूँ अपने रूम पे, और आज ना गाइज मतलब बहुत ही बोरिंग डे था, कुछ खास हुआ नहीं आज, कुछ किया नहीं, बस ऐसे ही बारिश होती रही। और आज का ब्लॉग ना काफ़ी शॉर्ट होने वाला है, बोरिंग सा भी हो सकता है। तो अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब सारी चीज़ें कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बहुत जल्दी आपके लिए इंटरेस्टिंग ब्लॉग आएगा। तो बस इस ब्लॉग में इतना ही, फ़िलहाल करता हूँ इस ब्लॉग को एंड।